स्वागत करुछि मो निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेले प्रथमे हेडलाइंस पुरी पाई नुआ ऐतिह बाइल प्रत्याहार प्रसंग केन्द्र संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह निष्पत्ति को स्वागत बासभवन में भेटी धन्यवाद जनइले धर्मेन्द्र बीजेपी टीम आज संध्या बसव राज्य मंत्री परिषद कैबिनेट बैठक 2021-22 वर्षर बजेट को मिल मंजूरी 25 गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव उपरे बाजिपारे मोहर सहज है जगा दर्शन मरीचिकोट ठू हटिला ब्यारिगेड श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय निकटस्थ स्थायी ब्यारिगेड दे महाप्रभु दर्शन जापारे भक्त राजधानी में मातिले लुटेरा महिलाओं बेकरू सुना चेन झांपी ने दुर्बृत्त झारपड़ा जेल सामना गली में मर्निंग वाक बेले छिंताई अभियोग तेल चोर को धरवाक जा पुलिस हटहटा साधा पोशाक गांव को जा कर्मचारी पिला चोर भाव निर्धु माड़ अनुगुल बरपाल अंचल आसला अभाव्य दृश्य उत्तराखंड जलप्रलय विकट रूप 26 मृत 200 ऊर्ध निखोज रेस्क्यू ऑपरेशन जारी निखोजों भद्रक अंचल जन युवक सूचना बुलेटिन आरंभ करिबा वर्तमान समय एक बड़ खबर पुरी पाई नुआ ऐतिह बाइल प्रत्याहार प्रसंग केन्द्र संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह निष्पत्ति को स्वागत बासभवन में भेटी प्रहलाद सिंह को धन्यवाद जनइले केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान धर्मेन्द्र बीजेपी राष्ट्रीय मुखपात्र संबित पात्र बीजेपी साधारण संपादिका लेखाश्री सामंत सियारों बीजेपी अन्य वरिष्ठ नेता माने उपस्थित थिले आज राज्य कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण बैठक बस संध्या पांचटे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अध्यक्षतार बस बैठक कैबिनेट बैठक में प्राय 25 गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव आसवाक रही एमएसएमई एसएसजीपीडी पंचायतराज स्वास्थ्य और साधारण प्रशासन विभाग भली विभिन्न विभाग क्याडर रूल संशोधन रहीपरी राज्य सरकार पक्ष आसंता दिव्यांग मान एक सेंटर ऑफ एक्सलेन्सी प्रस्ताव रही बाद विजु पटनायक वैषयिक विश्वविद्यालय क्याडर रूल संशोधन रही आज राज्य मंत्री परिषद बैठक बस आसंता 2021-22 आर्थिक वर्ष लगी मंत्री परिषद अनुमोदन नि एणिकी सहज हेब श्रीजीव दर्शन मरीचिकोट ठारु ब्यारिगेड हटाई दिया जाइछे एबे भक्त माने स्थायी ब्यारिगेड दे श्रीमंदिर को दर्शन पाई जाइपारिबे पूर्वरु मार्केट छक ठारु मरीचिकोट पर्यंत थिबा ब्यारिगेड को हटाई दिया जाइथिला आगरु सरस्वती पूजा थिबारु नयागढ़ बनखंडरु रथ काठ आसिबो एबे रथ काठ आसिले समस्या हेबो याको दृष्टि रखि ओ भक्तक सहज दर्शन पाई ब्यारिगेड को हटाई दिया जाइथिबा कहिसेंती श्रीमंदिर उन्नयन प्रशासक राजधानी में मातिछंती लुटेरा मर्निंग वाक बेले महिलाओं बेकरे कटुरी लगाई चेन झांपी ने दुर्बृत्त भुवनेश्वर झारपड़ा जेल सामना रोड रे घटना घटी लुटर शिकार होता महिला मनोरमा साहू से शांतिनगर बासिंदा बाइक रे तीन जन आसी बेकरु चेन झांपी नहीं बेले महिला जनक पार्टी करते तेज लोके पहुंचा पूर्व दुर्बृत्त मैंने फेरार हो जाते दिन मु मॉर्निंग वॉक रे जाए 7टा बेले मॉर्निंग वॉक रु फेरी थिबा समय रे से तीन जन साम अपार्टमेंट गली रे तीन जन पिला बाटरे ठिया हेतिले से माने जानि हो नथला हटात जन कटुरी रे बाहर करकी आसी मो बेक पाखरे लगे कि चेन दे बोली मते भिड़ी की तले पकई देला एवं चेन छिंडे कि नै गला मु जोरे पार्टी करी जे पाखरे जे थिले बे केही आसीले नै आ नै कि पळे गले
संबलपुर जिला कुचिंडा अंचल सीरीज दुर्घटना रेंगालो बेला थारे कार और बाइक मध्यरे मर्मेइ धक्का होईछि। एथिरे जणक मृत्यु होइथवा बेले जणे आहत होइछन्ति। मृतक सिहिरिया गाँर सुशील मुंडा, आहत गंभीर मुंडा गाँर चंदन नायकंकु कुचिंडा डाक्तरखाना भर्ती करा दैछि। सेपटे साउती मालठारे बाइक रे दुई जण जाउथवा बेले भारसाम्य हराई गाडीटी ओलटि पडिथिला। बिरजा मिंज और संदीप मिंज नामक दुई जण युवक गुरुतर होइछन्ति। अनेपटे पुरुणा पाणी कुटरा चुआ रास्ता रे धान बोझे ट्रक ओलटी ड्राइवर गुरुतर होइछन्ति। गुणिगरेडी संध्यारे जणक गुळी करी हत्या उद्यम, गुळी न बाजिबारो पुणी पथरे छेची मारिबाको चेष्टा। एभळी अभावनीय घटना घटिछि गजपति कोटामा पंचायत जाडिंगा गाँरे। तीन जन मिसी एभली कांड घटाई अभियोग करिछन्ति। तबे अल्पके बर्ती डम्बरुधर माझी अड़बा थाना रे एनेई अभियोग करिछन्ति। आक्रमणकारी मध्यरु जणे से गाँव प्रमोद माझी बोली कहिछन्ति डम्बरुधर। तबे अन्य दुई जन को चिन्हट करि पारि नथिबा कहिछन्ति डम्बरुधर। से करडाबाड़ी चर्च रे पूजापाठ करुथिले। तबे कोनोसी कारणरु डम्बरुधरक न मास र पुअर मृत्यु होइथिला, जाकु नै गाँव बसिथिबा सभारे गुणी करि मारिबा अभियोग आसिथिला। मंडी धान न उठिले चाषीों आत्महत्या चेतावनी। बरगढ़ जिला विजयपुर ब्लक मुंडमहुल गाँव एभली खबर सामना को आसी। सबु क्षेत्र में निराश होगापर उपजिलापा ऑफिस से अनुरोध करते चाषी धान मंडी अव्यवस्था टोकन भी धान बिक्री न होवर चाषी कूल हताश हो पड़े। खरीफ ऋतु में अमल कर धान को मंडी में बिक्री करी ऋण बोझ सह पर पेट चिंतार बरगढ़ चाषी कूल पद्मपुर उपजिलापाल चाषी को दुख बुझा को अनुरोध जनाई चाषी। तेल चोर को धरवाक जा हटहटाला पुलिस। साधा पोशाक गांव को जाइथिबा पुलिस को पिला चोर भाव निर्धुम पिटिले ग्रामवासी। एभली एक अभावन घटना घटी अनुगुल जिले में। बनपाल तेल चोरी होता नहीं अभियोग होता। खबर पाई चोर को धरवाक जाई बनपाल पुलिस साधा पोशाक पहुंचीला, किंतु पुलिस को पिला चोर भाव निर्धुम पिटी ग्रामवासी। ए चारज पुलिस कर्मचारी आहत होती। पुलिस मैंने व्यवहार कर गाड़ी को मध्य भांगी ग्रामवासी। घटन 18 जन को थाना अटक रखी पुलिस। अनुगुल छेंडीपदा थाना चारिबाटी छक निकट चोरा कोयला मिनी ट्रक जबत। बेआईन भाव कोयला चालाण होता खबर पाई चढ़ऊ कर जिला स्पेशल स्क्वाड। घटन जन को गिरफ्त कर ट्रक रु 5 टन कोयला जबत हो सप्ताह मध्य 5 गाड़ी जबत कर सूचना मिली। कलाहांडी जिला कोक्सरा ब्लॉक सिउनी गाँ पाड़गदारु नवजातक शिशु उद्धार। आज पहांतिया शिशुर कांद शुणी शौच पर जाता किसी महिला ग्रामवासी को खबर देते। आशाकर्मी और अंगनवाड़ी कर्मी पहुंची शिशु को उद्धार कर प्राथमिक चिकित्सा करने कोक्सरा हस्पिटाल भर्ती करते। शिशुर स्वास्थ्यावस्था स्थिर रही। आमपाणी पुलिस घटनार तदंत चल। पश्चिमबंगर गजपति निखोज 3 वर्ष झी उद्धार। पायलाखेमुंडी स्थित जिला शिशु सुरक्षा अधिकारी झीटी को उद्धार कर। गत वर्ष 15 मार्च में पश्चिमबंगर खड़गपुर स्टेशन में झीटी निखोज हो जाता। आरपीएफ छुआटी को पाई स्टेशन में चाइल्डलाइन को हस्तांतर करते। झीटी को पश्चिम मेदिनापुर जिलार शिशु मंगल कमिटी को पठा जाहापोष्य केन्द्र में रखा जाता। चाइल्डलाइन अनुसंधान पर झीटी पायलाखेमुंडीर बोली जमापड़ा। यापर पारलाखेमुंडी शिशु सुरक्षा अधिकारी को झीटी को हस्तांतर कर। इसका जो केस है हमारे जिला के जो खड़गपुर स्टेशन है, खड़गपुर स्टेशन में 15 मार्च 2020 में ये
लड़की अकेली घूम रहे थे प्लेटफॉर्म में, वहाँ पर जो जीआरपी स्टाफ था उसको रेस्क्यू किया। और उस स्टेशन में हमारा एक चाइल्ड लाइन का ऑफिस है, रेलवे चाइल्ड लाइन, वो रेलवे चाइल्ड लाइन को हैंडओवर किया था। ये जे एक्ट का प्रोसेस है और उस बच्चे को रेलवे चाइल्ड लाइन ने अभी हमारे जिला के जो CWC है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, वहाँ पर ले गए और उसका उम्र जो 6 साल के नीचे है तो उसको शाह में रहने की ऑर्डर दिए। तब से वो हमारे शाह में थे। तो प्रॉब्लम ये हुआ था कि पहले वो कुछ नहीं बता पा रहे थे, पहले तो बात नहीं कर रहे थे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बताया। जो एड्रेस हमारे काउंसलिंग में उभर के आई है उसके बहुत देर हुआ, इसलिए जो रेस्टोर प्रोसेस है यह इस जिला में आने का। देवभूमि उत्तराखंड रे हिमस्खलन जोगो अलकानंदा और धौली गंगा रे देखा जायतिबा आकस्मिक बन्या रे मृत्यु संख्या 26 को वृद्धि पाइछि। यस घटना रे निखोज को संख्या 202 को वृद्धि पाइतिबा प्रशासन पक्षरु आकलन करा जायछि। निखोज को उद्धार करबा लागि ITBP सेना, NDRF ओ SDRF पक्षरु व्यापक तलाशी जारी रहिछि। चमोली जिलार तपोवन सुडंग मध्यरे मिलित बाहिनी पक्षरु उद्धार कार्य को जोरदार करा दैछि। 250 मीटर लंब ए टनेल रु पंक कादुआ बाहर करा दैछि। ए टनेल मध्यरे 24 रु 25 जन शनिवार ठारु फसी रहितबा बेले सेवानक संपर्क रे कोनोसी सूचना मिलि पारि नाही। निखोज व्यक्तिक मध्यरु 170 जन श्रमिक, ए श्रमिक माने NTPC ओ ऋषिगंगा पावर प्लांट रे कार्य करथिले। उद्धार मृतदेह मध्यरु मात्र 2टी को चिन्हट करा दैछि। मृत्यु संख्या आहुरी वृद्धि पाइबा नै आशंका करा जाउछि। देवभूमि रे हिमस्खलन रे निखोज दिबा लोकक मध्यरे भद्रक जिलार जणे थिबा जणा पडिछि। निखोज व्यक्ति बांचडा थाना कुदकांति गांर नागार्जुन दास, से उत्तराखंड ठारे थिबा ऋषिगंगा पावर प्रकल्पर तपोवन रेणी ब्यारेज रे इलेक्ट्रिशियन भाबे कार्य करथिले। नागार्जुनक सह परिवार लोके जोगाजोग करथिले मध्य कोनसे सूचना मिलि पारि नाही। तबे युवकक उद्धार लागि परिवार लोके जिला प्रशासन को गुहारी करिसेंते। बहुचर्चित राजधानी मुंडभिन महिला मृतदेह मिलवा घटना, तेज घटन मृत महिला फिंगरप्रिंट जांच कोर्टे आवेदन कर पुलिस। एने पुलिस उपरिस्थ कोर्ट कि हाइकोर्टे आवेदन कर तेज आधार कार्ड द्वारा महिला परिचय योजना करोर्ट अनुमति दे फिंगरप्रिंट को नहीं आधार जांच होपटे महिला डीएनए किसी सांपल रखा। पोस्टमर्टम रिपोर्ट में महिला अंतस्वत्ता सूचना रही। अधिक सूचना रोशन रथ आम प्रतिनिधि फोनलाइन अच्छा। रोशन, जहाँ जो कटामुंड को नहीं चर्चा लगि रही जे प्रकृतरे से बॉडी देहटी कहार एवं मुंड जेहेतु ना बॉडी को चिन्हट करवा मुश्किल, जो पुलिस पोस्टर पूर्व जारी कर अपडेट कौन आसूँ जानवाक चाहिए। देखो निवेदिता प्रथम जहाँ बड़ अपडेट आज पहुंचुच परिचय जिते बड़े पुलिस सब बड़ समस्या पलटी कटा मुंड महिला किए ताते पुलिस जापार ना बर्तमान आधार कार्ड रहाज्य नब जो बर्तमान फिंगरप्रिंट जांच पुलिस को कोर्ट रुमति दरकार। तेणु बर्तमान जहां अपडेट आहुचु पुलिस कोर्ट में आवेदन कर फिंगरप्रिंट जांच कारण आपने समस्त जानते जिते आधार कार्ड या समय समस्त फिंगरप्रिंट नि तेणु फिंगरप्रिंट मध्यम क्यों क्योंकि आधार कार्ड मध्यम महिला परिचय खुलासा हो पाए से बर्तमान पुलिस जो आधार का फिंगरप्रिंट जांच पंथा अपने जो बर्तमान कोर्ट में हाइकोर्ट कि उपरिष्ठ कोर्ट में पुलिस आवेदन कर सूचना मिलू। अंपटे जो आम देखा डीएनए महिला किसी सैंपल रखा जा सूचना आरण पूर्व आप जानते जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसला
महिलाको टन्टी चिपि हत्या गराइछ एवं तापरे ताकर मुंड काट कर दिया जाइछ बोली सूचना मिलतला। तेनो ए सब भितर महिला जनक भासकर गर्भवती थिले बोली मध्ये सूचना मिलतला। तेनो चोखडा केउठी ए सब जो वर्तमान सुधा कोनसी रहस्यर पर्दा हटि पारुने तेनो परिचय को प्राथमिकता तबे रोशन महिला जनक गर्भवती थवा जा चर्चा होतला प्रकृतरे एहा कोन सत्य जे पोस्टमार्टम रिपोर्ट रे कहिया स्पष्ट होइछ कि निश्चित भाव देखो प्रथम पोस्टमार्टम प्री पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सूचना मिलता है गर्भवती थी भाषा गर्भवती थी टंटी चिपी हत्या कर पोस्टमार्टम पठा जाइए एम्स मेडिकल को प्रथम पोस्टमार्टम कैपिटल मेडिकल द्वितीय थर पोस्टमार्टम बॉडी को एम्स मेडिकल को पठा जाता से ही रिपोर्ट अवश्य कौन आसी वर्तमान सुधा स्पष्ट सूचना आसी पारे ना कि गोटे पटे आम जब कह तबे रोशन आउ एक कथा दुई दुई थर पोस्टमार्टम रो कोन आवश्यकता पड़ला पूर्वर मध्ये पोस्टमार्टम हेतला हुए तो पूर्व थर पोस्टमार्टम को पुलिस खामखेली भाबे नैतला कि द्वितीय थर रो कोन आवश्यकता पड़ला रोशन देखो जेतेबेले स्पष्ट सूचना पुलिस को आवश्यकता थाए सेतेबेले दी दी थर पोस्टमार्टम करा जाय थाए थरे पोस्टमार्टम करला पर जहां सूचना होय छै ता आधार पे आउ किछि तथ्य हासिल करि हबो कि सीट पे सेकंड थर पोस्टमार्टम करा जाय थाए तनो ए केस रे मध्ये जेतु सेंसिटिव केस ते पहला कर मुंडो मिलु ने परिचय मिलि पारु ने मृत्यु रो कारण मध्ये स्पष्ट भाबरे जणा पडु नथिला विभिन्न संदेह सृष्टि होतला सेइ तो तेनु गुरी दु दु थर पुलिस पोस्टमार्टम कर तबे द्वितीय थर जो पोस्टमार्टम करा जायछि सेइतरे कोन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोन आछि रिपोर्ट रे कोन स्पष्ट उल्लेख रहछि से नै बतरा सुता किछ सेंति किछ सूचना मिलि पताय अर्थात रोशन आधार वर्तमान सहाय्य करिबो पुलिस को आगामी तदंत रे जेतु फिंगरप्रिंट रो आवश्यकता रहछि जो डेड बॉडी टी रहछि सेतर डीएनए मध्ये टेस्ट करा जइबो हुए तो ता परे डेड बॉडी टी कहार हुए तो स्पष्ट होइ पारिबो। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन आपण को ताजा अपडेट पाई। अर्गस प्रभाव खबर प्रसारण पर बेआईन फी वृद्धि पाई तदंत कमिटी गठन करने को निष्पत्ति गत तीन तारीख दिन भीमसार नर्सिंग कॉलेज अध्यक्षा छात्र छात्री ठारु बलपूर्वक बेआईन भाव अर्थ आदाय करुवा नहीं खबर प्रसारण करने भीमसार अधीक्षक प्रोफेसर जयश्री दोरा घटना संपर्क में जानापर तदंत कमिटी गठन होदंत कमिटी किदिन मध्य संपूर्ण सत्यासत्य भीमसार करतृपक्ष को जनइबे भीमसार नर्सिंग कॉलेज अध्यक्षा लीलाराणी स्वाई बेआईन भाव छात्र छात्री बलपूर्वक अर्थ आदाय करुवा अभियोग छात्र छात्री मान सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन यूनिफर्म बहिकाता आदि बाबद को अधिक 15,000 टंका आदाय करुवा छात्र छात्री माने अभियोग करते तबे तदंत रिपोर्ट आसला परे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा प्रकाश करिसंती भीमसार अधीक्षक घटना तो ये से तार एनक्वारी हम गोटे तदंत कमिटी गठन हम से तदंत करके रिपोर्ट देवे जहाँ निवा कथा रूल अनुसार जहाँ पदक्षेप निया कथा सब निना रसीद्रे तो भूल ही देखा मैं एनक्वारी कमिटी जहाँ डिसीजन प्रति ग्राम हेबो बाह्य मलमुक्त ग्राम जहाँ नहीं सरकार स्वच्छ भारत मिशन जरिया प्रति गाँव में प्रति परिवार को सरकारी योजना पायखाना टीए जोगाई दिया दिजार व्यवस्था रही है पायखाना निर्माण रे होई छी महा घोटाला उपात अंचल होई छी पायखानार महालुट देखु आम रिपोर्ट मयूरभंज कप्तिपदा ब्लक राणीपोखरी पंचायत पायखाना निर्माण में महा घोटाला गाँ लोक भूआ बुलाई हड़प हो लक्ष लक्ष टा गोटे कि दुईटी नुहे पंचायतर सबु पायखाना अचल कौन पायखाना थरुटे भी व्यवहार होना पखापाखि 50 रु अधिक पायखाना निर्माण में हो हरिलुट सुषमा गाईपाई अभोग पायखाना घर हो अच्छी कवाट ना अच्छी पायखाना टांकी अन्य जड़े हिताधिकारी हेले कापुरापूर्ति जहां पायखानार चित्र देखिले आपण भी ताजुब हे हिताधिकारी केउठी ताहा केही जानती ना हेले भंगा घर निकट रे तैयारी होइछि पाइखना अनेक हिताधिकारी पाइखना रे रहुछि कुकुड़ा कारण किछि पाइखनार ना अछि टांकी ना टांकी को संजो करा जाइछि पाइप जहाँ फल केवल प्यान बसई दिया जाए पूरा टंका हरिलुट करिनिया जाइथबा
ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି। ପାଇଖାନାର ଅବସ୍ଥା ତ ବହୁତ ଖରାପ, ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁନୁ। ରାମାଟ ପାଇଖାନା ଅଛି ତ ପାଇପ୍ ଲଗାଇନି, ଟାଙ୍କି ନାହିଁ, ନନ୍ଦ ଅଦା ଲଗାଇଛି, ଅଦା ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ, କବାଟ ସେମିତି ଅଦା ଲୋକଙ୍କର ଅଛି, ଅଦା ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ। ହଁ ଯାଉଛି କାହିଁକିନା ତାର ନଡ଼ି ପଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଭିତରକା ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଲେ ଗୋଟେ ପଟ ନାହିଁ, ଆଉ ଜାମ୍ ହେଲେ ଆଉ ସେ କିଏ ତାର ଇଏ ଚେଡ଼ି ପଡ଼ି ଆଣି ନାହାନ୍ତି, ନାହିଁ। ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆମେ ପାଇଖାନା ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବି ନାହିଁ, ଆଉ କୁଣ୍ଡ ବି ଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି, ଆଉ କିଛି ବି ହେଇନି, କବାଟରୁ ଅଧାରୁ ଅଧା କାଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି। ସେଭଳିଆ ପାଇଖାନାର ବ୍ୟବହାର କଲା ବେଳକୁ ଆମର ବି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଭଳିଆ ଦେଖିକି ବାହାର ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। RWSS ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2019-20 ମସିହାରେ ରାଣୀପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପାଇଖାନାରେ ଏଭଳି ହରିଲୁଟ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଖାନାରେ କବାଟ ଲାଗିନଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଖାନାର ଟାଙ୍କି ମଧ୍ୟ ବସିନାହିଁ। ସେହିପରି ଟାଙ୍କିଗୁଡ଼ିକ ନନ୍ଦରେ ତିଆରି କରାଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ କେଇ ଖଣ୍ଡ ଇଟା ରଖିଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ପାଇଖାନା ପିଛା 12,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୂନ ଲଗାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ହରିଲୁଟ। ଏ ବାବଦରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବେନି ବୋଲି ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣେ RWSS ଯାଇ ବସନ୍ତ ଲେକାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭେଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ବେଳେ ବାବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବସନ୍ତ ଲେଙ୍କା ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ସରିବା ପରେ ଭେରିଫିକେସନ କରିଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଲୁଟ୍ ବାବଦରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କିପରି, ନା ସବୁ ଜାଣି ଠିକାଦାର ଏବଂ ନିଜର ପକେଟ ଗରମ ପାଇଁ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟିନେଲେ ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହେଲେ କିଏ କେତେ ଲୁଟିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ସହିତ ପୁଣି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କୃଷକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କୃଷକ ସଂଗଠନ। ସରକାର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କୌଣସି ଏକ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 11 ଥର ସରକାର ଏବଂ କୃଷକ ସଂଗଠନର ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷକ ନେତାମାନେ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି କୃଷି ଆଇନଗୁଡ଼ିକୁ 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସଂଗଠନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ଆଗାମୀ ବୈଠକରେ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାରିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍‌କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।